हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में आपको एमटीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं। जो परीक्षा हो गई है उनको देखते हुए मैं ये सवाल कराऊंगा आपको। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल हैं आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपके सामने। देखिए, ये सवाल है, ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हों। आसान सवाल है। देखिए, एमटीएस में आसान सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत ही घुमा के देते हैं, ज़्यादा घुमा के सवाल नहीं देते। सीजीएल से थोड़ा लेवल इसका नीचे ही रहता है। अगर आपने सीजीएल की तैयारी कर रखी है ठीक से, तो आपके लिए काफ़ी आसान है। तो देखिए, यहाँ दिया है ए की क्षमता बी से दोगुनी है। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए हम ए और बी। अब ए की क्षमता बी से दोगुनी मतलब कि अगर ए दो काम करेगा तो ये एक काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोगुनी क्षमता है इसकी ए की। अब ये मान लीजिए एक दिन में काम कर रहा है, एक दिन में ये एक काम कर रहा है, सॉरी ए दो काम कर रहा है और बी एक काम कर रहा है एक दिन में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक दिन में काम है दोनों का। अब देखिए, सवाल में दिया है दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब ये हमने एक दिन का माना है ये कार्य, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे हम, कितना कार्य हो जाएगा, ये दो और एक तीन, ये एक दिन का कार्य हो गया, ये एक दिन का कार्य आ गया। अब आप देखिए, यहाँ पर सवाल में दिया दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य करते हैं। अगर एक दिन में वो तीन कार्य कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना करेंगे, इस ये गुणा 15 15 45, मतलब कि 45 कार्य दोनों मिलकर करेंगे। ये कार्य हमने माना है संख्या में ताकि सवाल आसान बन जाता है इससे। अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आई आइकन पर जाकर आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है यहाँ पर, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो वाली वीडियो देखिए। तो देखिए, यहाँ पर ये 15 दिन का कार्य है, दोनों मिलकर 45 कार्य करेंगे। तो हमें निकालना है यहाँ पर, देखिए ये ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेला एक दिन में दो कार्य कर रहा है, यहाँ देखिए ये दो कार्य कर रहा है एक दिन में ए, तो 45 कार्य कितने दिन में कर देगा, मतलब 45 से आधा में, तो मतलब कि यहाँ 45/2 ये ए का कार्य है, वाई सही 1/2 45 का आधा, ठीक है। अगर काफ़ी आसान था, मतलब कि देखिए एक दिन में ये दो कार्य कर रहा है तो 45 कार्य करने में 22.5 दिन लगाएगा वो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी की तरह है। देखिए ये सवाल ये है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, मतलब कि पहले वाले सवाल की तरह है। तो ये पाइप और टंकी और टाइम और वर्क, ये दोनों चैप्टर सेम ही हैं, दोनों चैप्टर की मैंने वीडियो बना रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, या आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो इसे करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। मान लीजिए देखिए, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। अब सवाल में दिया है एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तीन गुनी है, मतलब कि अगर ये तीन भरेगा तो ये केवल एक ही भरेगा। ये संख्या में मान के चल रहे हैं, टोटल टैंक मतलब संख्या में मान लेंगे कि वो कितना टैंक है, और ये जिसमें कि ये तीन भर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें, खाली टंकी को 36 मिनट में भर रहे हैं। अब देखिए, एक मिनट में हम ये मान लिया था हमने, ये एक मिनट में है, ठीक है, यहाँ पर ये एक मिनट में है, एक मिनट में तीन टंकी भर रहा है और ये भी एक टंकी भर रहा है, तो एक मिनट में दोनों मिलकर कितनी टंकी भरेंगे, चार टंकी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये चार टंकी एक मिनट में भरी जा रही है, तो इसी तरीके से दिया वो टंकी दोनों मिलकर 36 मिनट में भर दें, तो मतलब कि टंकी 36 मिनट भर रहे हैं, तो एक मिनट में चार भर रहे हैं, तो 36 मिनट में कितनी भरेंगे, यहाँ पर पहले वाले सवाल की तरह, तो यहाँ पर हम गुणा 36 कर देंगे, पहले वाले सवाल की तरह कर रहे हैं, तो 36 × 4 = 144। इस तरीके से दोनों 36 दिन में 144 टंकी भरेंगे, मतलब संख्या मान रखा है, आप समझिए इस चीज़ को। अब सवाल में निकालना क्या है, यह देखिए, तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भर देगा, तो धीमी गति से कौन भर रहा है, बी, क्योंकि ये केवल एक भर रहा है और ये तीन भर देता है इतनी देर में, तो धीमी गति से तो बी भर रहा है, तो हम इस एक से इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि ये एक मिनट में एक टंकी भर रहा है, तो 144 टंकी भरने में 144 मिनट लगेंगे, तो इसे हम 1 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, तो इसका 144 आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल देखिए, तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की ओर पैदल जाते हैं, यदि उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 हो, तो ए से एक ही समय पर चलकर बी तक पहुंचने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये निकालना, देखिए इनका समय का अनुपात निकालना है और इनकी चालों का अनुपात दे रखा है। तो मैंने एक वीडियो में पहले ही बता रखा है आपको कि
चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब इसका मतलब आप समझिए, ये जो समय है ये चाल का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, और ये अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि अगर दूरी बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी, अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, ये है इसका मतलब। मतलब कि अगर चाल का अनुपात दे रखा है तो समय का अनुपात निकालने के लिए हम उसका उल्टा कर देते हैं चाल के अनुपात का। अब यहाँ पर देखिए चाल का अनुपात दे रखा है, चाल मतलब स्पीड, तो चाल का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 5, ये अनुपात दे रखा है। अब हम इससे समय का अनुपात निकालेंगे, तो 1/4, 1/3, 1/5, इस तरीके से कर लेंगे। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे नीचे, 4 × 3 = 12, 5 = 60, 60 ही आएगा इनका एलसीएम। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20, यहाँ पर ये, इस तरीके से ये ऊपर वाला एलसीएम आ जाता है हमारा, यहाँ पर ये इतना एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 15, 20, 12, ये हमारा आंसर आ गया, डी इसका ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए सवाल आसान है, आप ये समझ रहे होंगे इस वीडियो में मैं आसान आसान आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए MTS के पेपर में आसानी सवाल आते हैं, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते, तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर मैं CGL के सवाल करा था तो इससे थोड़ा और लेवल ऊपर होता, तो मैं यहाँ पर आपको MTS के सवाल करा रहा हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो, अब 25% का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ देखिए अगर बी का वेतन 4 है तो इसका वेतन 5 है, मतलब कि ये ए का वेतन है और ये बी का वेतन, मतलब कि बी का वेतन है बड़ा हुआ, मतलब कि ये जो इंक्रीजिंग वैल्यू होती है या डिक्रीजिंग वैल्यू वाली, अगर वेतन बढ़ रहा है तो एक जोड़ देंगे 4 में, अगर घट रहा है तो एक घटा देंगे। ये मैंने आपको ठीक से बता रखा है रेशियो वाले सवाल में, ये परसेंटेज वाले सवाल में, परसेंटेज की आप ये वाली वीडियो पूरी देखिए, ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है, IIICON पर जाइए आप। तो देखिए इसे करते हैं, अब सवाल आगे है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो बी का वेतन ए से कितना कम है, यहाँ से यहाँ पर एक कम है, कितने में से, 5 में से, एक कम है 5 में से, गुणा 100, 5 × 10, तो 20% कम हो गया, बी का वेतन ए से 20% कम है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब अगला सवाल देखते हैं, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए यहाँ पर फादर और सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना देखा है, 3:1, 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, मतलब कि 20 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है, यह अनुपात हो जाता है बाद में। पिता की वर्तमान आयु निकालनी है इसमें, तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये, मैंने आपको एजेस वाले चैप्टर में बता रखा है, डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर IIICON पर जाकर वाली वीडियो देख सकते हैं एजेस वाली। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि इन दोनों की एज में कितना अंतर है, मतलब कि पहले वर्तमान और बाद वाली एज में यहाँ पर 20 वर्ष का अंतर दे रखा है, 20 वर्ष बाद ये वाला अनुपात दे रखा है और वर्तमान में ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो बराबर ही लगा है ना, यहाँ भी 20 वर्ष लगे हैं और यहाँ भी 20 वर्ष लगे हैं, तो हम इसके अनुपात को यहाँ बराबर कर लेते हैं। क्योंकि अगर जब भी किसी भी अनुपात वाले चैप्टर में या किसी भी अनुपात वाले सवाल में अगर ये चीज़ हो रही है, मतलब कि दो टाइम के अनुपात दे रखे हैं, दो बार अनुपात दे रखे हैं और दोनों के बीच में जो संख्या का गैप है, मतलब कि यहाँ पर 20 वर्ष है, कुछ भी हो सकता है, 20 वर्ष की जगह 20 रुपये भी हो सकता है, मतलब कि अगर किसी भी तरीके से दिया है, यहाँ भी 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, तो यहाँ पर हम इन दोनों के अनुपात को बराबर कर लेते हैं। अब आगे देखिए आप कैसे, मैं आपको इसका सोल्यूशन करूँगा। तो ये देखिए यहाँ से इसके बराबर करने के लिए, अगर यहाँ बराबर नहीं है तो पहले हम इसे बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1। तो देखिए इस एक में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे बराबर करने के लिए, 2 के बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फादर और सन का अनुपात हो जाता है यहाँ पर, ये तो 3 है ऊपर, 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 4, और यहाँ पर 2 × 2, ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पर इनका अनुपात बराबर हो चुका है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो यही चीज़ मैं बराबर करना सोच रहा था। अब इसे हम आर मान लेते हैं यहाँ पर,
इसे आर मान लेते हो, तो एक आर की वैल्यू यहाँ पर 20 वर्ष हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक आर है ये वाला भी, तो एक आर की वैल्यू 20 वर्ष हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर निकालना है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ये निकालना है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या मतलब ये था, 3 आर था यहाँ पर, ये आर आर है सब में क्योंकि रेशियो है, आर से हम रेशियो को दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 आर की वैल्यू निकालनी है, 1 आर की वैल्यू हमें पता चल गया है। तो 1 आर की वैल्यू अगर 20 वर्ष है, तो इसी तरीके से 3 आर की वैल्यू 3 गुणा 20 60, इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। तो 60 वर्ष उसके पिता की वर्तमान आयु है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल होते हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, तथा 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। देखिए अच्छा सवाल है। अब हम दो सर्किल बना लेते हैं पहले, तो ये हम दो सर्किल बना लिए हमने। अब देखिए यहाँ पर दिया है, ये अगर ये मैथ का सर्किल है और ये इंग्लिश का सर्किल है, तो देखिए 40% गणित में हो रहे हैं और 30% इंग्लिश में हो रहे हैं और 10% दोनों में हो रहे हैं। तो 10% ये दोनों बीच वाला जो है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 10%, ये कॉमन पार्ट 10% हम इसमें दिखा देंगे। अब जब 10% इसमें होगा तो केवल इसमें कितना होगा 30%, क्योंकि मैथ में कितना हो रहा था 40% और इंग्लिश में 30%, जब इंग्लिश में पूरे सर्किल में 30% हो रहा है तो केवल इसमें कितना होगा यहाँ पर 20%, क्योंकि 10% दोनों में दोनों पार्ट में आ चुका है 10%। तो देखिए केवल इंग्लिश में 20% हो रहे हैं और दोनों में 10% हो रहे हैं और ओनली मैथ में 30% हो रहे हैं, इस तरीके से आ गया ये। तो मतलब कि कुल मिलाकर सब असफल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 30 प्लस 10 प्लस 20 बराबर 60%। 60% मतलब कि कुल मिलाकर फेल हो रहे हैं। अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो भी तो फेल होगा ना, चाहे वो दोनों में फेल है या केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, वो फेल ही माना जाता है। तो सब मतलब कि सबको मिलाकर कितने फेल हो रहे हैं, 60% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे 40%, हम 100 में से 60 घटा देंगे तो यहाँ पर 40% पास हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 60% फेल हो गए तो 40% पास हो जाएंगे। तो यही निकालना था, देखिए निकालना था यहाँ पर दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण होंगे 40%। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल थे, ये पार्ट वन था। इस तरीके से आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा। आगे की वीडियो देखने के लिए आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और मैं इस चैनल पर चैप्टर वाइज भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको चैप्टर वाइज सभी की वीडियो मिल जाएंगी। रीजनिंग की, इंग्लिश की, मैथ की और जीके की मैंने सबकी वीडियो डाल रखी है। सबसे ज़्यादा मैं वीडियो मैथ की डालता हूँ, स्पेशली मैं मैथ की वीडियो डालता हूँ। अगर आपको मैथ में किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं या मेरे FB पेज पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं अपना सवाल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।